कि सारी चीज कोई सबूत तो देना। ये तो वही हाल हो गया कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं इंसाफ के लिए, उन्हीं पर मुकदमे दर्ज करके, उन्हीं पर यूएपीए लगाकर, उन्हीं पर वो लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट का मामला, यू कांट क्रिएट फॉल्स एविडेंसेस। निशिकांत दुबे के मुंह से कहने के अलावा क्या वहां कोई एविडेंस है? और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि शायद केस जो है वो कोई प्रिविलेजेस कमेटी को भेजा गया है, रेफर किया गया है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपके पास जानकारी कहाँ से आई? आपके पास जानकारी कहाँ से आई? नहीं, खबर कहाँ से आई? नहीं, कहाँ से आई खबर? कहाँ से आई? ओनली निशिकांत दुबे हैज ट्वीटेड दैट, वही खबर है ना, तो वही चलाएंगे। मतलब आप खबर भी, अब जो इंसान एक्यूज कर रहा है वही ट्वीट करके खबर दे रहा है। वाह, ये देश कहाँ जा रहा है? इंसाफ कहाँ जाएगा इस देश का? इज देयर एनी कम्युनिकेशन? आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन। यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, एंड द होल मीडिया हैज रिटन इट ऑन अ ट्वीट ऑफ निशिकांत दुबे। दैट्स ऑल ना, आप ही खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात। आप खंडन कर रहे हैं कि नहीं? काय का? निशिकांत दुबे ने भी आरोप लगाया। निशिकांत दुबे का आरोप भद्दा, घटिया और देश की जनता को, अपने कैडर्स को इंस्टिगेट करने वाला आरोप है कि वर्बल लिंचिंग बाहर होगी, बाहर फिजिकल लिंचिंग करा दें वो मेरी। दैट इज द आरोप, वो आरोप है। ऐसी घटिया राजनीति, एक 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 चुने हुए सांसद को इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही इनका आचरण है। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, कोई सबूत है तो दिखाए ना, कोई वीडियो लाए ना। एक हफ्ता हो गया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का कोई बयान नहीं आया और निशिकांत दुबे जो है ट्वीट करके देश की मीडिया को, जनता को बता रहे कि मामला रेफर हो गया है प्रिविलेजेस कमेटी को। तो शायद निशिकांत दुबे ने का जब इतना इन्फॉर्मेशन है तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर कि कहीं कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई एविडेंस मिल जाए जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि नहीं मिला वरना अब तक आ जाता सबूत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।